भाई साहब हॉलीवुड की बिगेस्ट स्पाई एक्शन थ्रिलर टॉम क्रूज स्टारर मिशन इम्पॉसिबल 7 फाइनली 12 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है। लिटरली 1996 से लेकर 2023 तक पिछले 26-27 सालों से मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज हॉलीवुड की स्पाई एक्शन थ्रिलर जॉनर में हर बार एक यूनिक रेवोल्यूशन लेकर आता है, जिसका मास्टरमाइंड है वन एंड ओनली टॉम क्रूज एके इथन हंट। साल 2008 में मार्वल की फर्स्ट मूवी आयरन मैन को टॉम क्रूज ने रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ, टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया था। थैंक गॉड उसी वजह से हम आरडीजे को एज आयरन मैन और टॉम क्रूज को एज इथन हंट एंजॉय कर रहे हैं। बट सबसे पहले मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 देखने से पहले मैं तुम्हारी सब डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जो बंदा इस फ्रेंचाइज को हल्के में लेता है उसका एक्सपीरियंस भी हल्का रह जाता है। तो हमारे टॉम क्रूज के साथ भारी भड़कम इम्पॉसिबल मिशन में शामिल होना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मूवी के ट्रेलर देख के स्टोरी लाइन के बारे में तो कुछ खास अंदाजा नहीं लग रहा है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू सोर्स ये मूवी न्यूक्लियर वेपन के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जहां हमारे टॉम भैया एके इथन हंट बिना किसी गवर्नमेंट को बताए अपने IMF के टीम को लेकर अपने जान को जोखिम में डाल के दुनिया को इस न्यूक्लियर वेपन के खतरों से बचाएगा। क्या लगता है ऐसी शॉर्ट एंड सिंपल कहानी होने वाला है? घंटा। डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्यूरी ने खुद बताया है कि इस मूवी का स्टोरी इस मूवी के अंदर कंक्लूड नहीं होने वाला, बल्कि इसका सेकेंड पार्ट जो 2024 में आने वाला है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2, उसके अंदर इस मूवी का स्टोरी कंक्लूड किया जाएगा। मतलब ये मूवी अपना सस्पेंस को अच्छा खासा बिल्डअप करके खत्म हो जाएगा। इसी वजह से इस मूवी के ट्रेलर स्टोरी से ज्यादा प्रेजेंटेशन पे फोकस करता है। पॉइंट नंबर 1, स्टार कास्ट। टॉम क्रूज के अलावा इस मूवी के अंदर मार्वल की कैप्टन अमेरिका का गर्लफ्रेंड पेगी कार्टर यानी हमारे कैप्टन कार्टर दिखने वाली, जिसमें ट्रेलर के कार चेजिंग सीक्वेंस को देखकर समझ में आ रहा है कि इथन के साथ हमारे पेगी कार्टर मातरमा उसके साथ मिशन में नाच आते हुए भी शामिल हो चुका है। उसके बाद गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी में मैंटिस इस मूवी के अंदर अपेयर होने वाली है। अरे मैंटिस को जो एक्टर प्ले कर रहे हैं वो अपेयर होने वाली। तुमने 2018 वाली मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट देखा है तो तुम जानते हो ये किस कदर का, खैर मैं नहीं बोलूंगा। इसके अलावा मूवी के स्टार कास्ट बहुत ज्यादा लंबा है, जिसमें पिछले मूवी मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की तरह हेनरी कैविल का अपीयरेंस मिल जाता तो क्या ही हो जाता, शायद मिल भी जा सकता है। खैर खाबों में ना बहकर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक्शन सीक्वेंस। मिशन इम्पॉसिबल देखने जा रहे हो तो एक्शन का मास्टर क्लास अटेंड करने जा रहे हो, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर ने टॉम क्रूज के साथ कुछ ऐसा माल तैयार करके रखा है तुम बोलोगे अरे ये तो VFX के ग्रीन स्क्रीन लाके शूट किया गया। ना बाबा ना, मूवी का नाम मिशन इम्पॉसिबल यू ही नहीं रखा गया। चाहे टॉम क्रूज को मोटरसाइकिल लेकर पहाड़ी कूद जाना हो या इस तरीके की ट्रेन को पलटा जाना, सब कुछ रियल है। टॉम क्रूज मतलब खुद का स्टंट खुद करेगा बंदा, स्टंट बॉडी डबल गया तेल लेने। 60 साल की एज में टॉम क्रूज भाई साहब जो करके दिखाएगा वो करने के लिए हम जैसे छपड़ी लॉन्डो का बैंड गिली हो जाए। मेनली मिशन इम्पॉसिबल मूवीज के अंदर VFX का काम बड़ा चढ़ा के 20% ही होता है, उसी के अंदर ज्यादातर काम वो पोस्ट प्रोडक्शन में ही करते हैं, ग्रीन स्क्रीन बहुत ही कम लगाया जाता है या इंडोर शूट तो भाई ना के बड़ा बड़ा होता है। क्या समझे ये आदि पुरुष है क्या? अरे जंगल में जाने की क्या जरूरत है, हमारे पास पैसा है हम इंडोर शूट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3, सिनेमाटोग्राफी। देखो भाई साहब, टॉम भैया खुद पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं तो उसके साथ सिनेमाटोग्राफी भी पैराग्लाइडिंग करते हुए उसका सिनेमैटिक शॉट ले रहे हैं। क्यों? रियलिस्टिक अप्रोच देना है वो। टॉम भैया दौड़ रहे हैं तो उसको रियल फील करवाने के लिए सिनेमाटोग्राफर भी कैमरा लेकर दौड़ रहे हैं। भाई उनके पास ऑप्शंस हैं, कार या मोटरसाइकिल, बट डायरेक्टर नहीं बोलेगा टॉम क्रूज के सिनेमैटिक शॉट ले रहे हो तो टॉम क्रूज की तरह ही मेहनत करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, स्केल। हर एक मूवी फ्रेंचाइज का अलग अलग स्केल होता है, जिसमें हर एक फ्रेंचाइज चाहता है कि अपने पिछले मूवी के जो स्केल था उसका स्केल मैं अपने सीक्वल के अंदर ब्रेक करूं, बट ज्यादातर मूवी सिर्फ नाम का ही सीक्वल बनाता है, अपने पिछले मूवी का स्केल ब्रेक तो छोड़ो टच ही नहीं कर पाता। बट मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज उस फैक्टर में मास्टर है बॉस। फोर्थ पार्ट में टॉम भैया को बुर्ज खलीफा चढ़वा दिया, फिफ्थ पार्ट में भाई प्लेन में लटका दिया टॉम भैया को, सिक्स्थ पार्ट में टॉम भैया को हेलीकॉप्टर सौंप दिया कि भाई चलाओ सीख लो, बंदा अक्खा एक्शन मूवी करने के लिए हेलीकॉप्टर चलाना सीख गया। और इस पार्ट में तो इन्होंने हद ही पार कर दिया, बाइक लेकर पहाड़ से कूदा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा सोचकर देखो, बंदा स्पेस में जाएगा क्या? भाई मजाक नहीं है, अपने स्केल को हर बार ब्रेक सच में करके दिखाते हैं ये लोग। सच में यार, मिशन इम्पॉसिबल 7 और 8 में जो होने जा रहा है वो कतई स्पाई थ्रिलर जॉनर में हिस्ट्री बन कर रहा जाए। पॉइंट नंबर 4, नॉस्टैल्जिया। मिशन इम्पॉसिबल एक तगड़ा एग्जांपल है कि नॉस्टैल्जिया को एक मूवी कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इथन को मिशन के लिए मैसेज आना और वो 5 सेकंड के लिए डिस्ट्रॉय हो जाना, मास्क पहन के धोखा देना, सिमिलर नॉस्टैल्जिक BGM को यूज करना, उसके साथ टॉम क्रूज का दौड़ना, ऐसे ही बहुत सारे थीमेटिक नीस को मूवी 1996 से फॉलो कर रहा है। जो चीज तुमने 1996 में देखा था वो चीज गारंटेड 2023 के इस मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 में तुम्हें देखने को मिलेगा। बट उस नॉस्टैल्जिया को फील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले कुछ मूवीज को देखना पड़ेगा। वैसे सभी मूवी को तुम नहीं देख सकते हो तो मैं सर्च करूंगा कि तुम मिशन इम्पॉसिबल के फर्स्ट पार्ट यानी 1996 में जो आया था वो देख लेना, और टाइम मिलेगा तो 2018
12 वाली मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट देख लेना। और भाई तुम्हारे पास और भी ज्यादा टाइम है तो मिशन इम्पॉसिबल 4 जो बुर्ज खलीफा वाला दुबई में सेट है वो देख लेना। और थोड़ा सा और टाइम मिलेगा तो भाई 2015 वाली प्लेन वाला सीक्वेंस का मिशन इम्पॉसिबल 5 देख लेना। देखो भाई मैं तुम्हें फोर्थ नहीं कर रहा, मूवी रिलीज होने में अभी भी एक हफ्ता बचा है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर तुम इस मूवी के लिए अपना एक्सपीरियंस बेटर करना चाहते हो तो इस मूवी में से कुछ मूवीज को तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। देखो भाई नहीं देखोगे तो भी चलेगा, बट पर्सनल कनेक्शन माना है तो देखना तो पड़ेगा। बाकी मूवी आ रहा है 12 जुलाई को जिसका वीडियो डेफिनेटली आएगा, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना और एक लाइक जरूर कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।